अध्यक्ष महोदय, आज महिला सशक्तिकरण दिवस है। अभी हमारी बहन ने भी कहा अध्यक्ष महोदय कि हम एक दिन क्यों मनाएं, पर मैं ऐसा मानती हूं कि जन्मदिन तो एक दिन ही मनाया जाता है। खैर, हमारे 365 दिन पूरे हमारे ही हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्य को निभाने के लिए उन सारे दिनों में एक दिन तो सेलिब्रेट करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, दो लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। व्यष्टि सुंदर है, समष्टि सुंदर है, दृश्य सुंदर है, दृष्टि सुंदर है, त्याग की दिव्यमूर्ति तुम नारी, जिसके होने से सृष्टि सुंदर है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आयोजित किया गया दो दिनों का यह ऐतिहासिक महिला सशक्तिकरण हेतु महासम्मेलन जो आपके द्वारा आयोजित किया गया, उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया, उन लाइनों के माध्यम से मैं अपनी बात रखने जा रही हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने कहा, ना जाने कितनी क्षमता है, दोनों हाथ अगर मोबाइल में हो, आपकी उंगलियां लैपटॉप में हो, बच्चों को आप संभाल रही हो, तो भी आप राजनीति के क्षेत्र में अपना सर्वोपरि दिखाते हैं, तो भी आप समाज के क्षेत्र में अपना स्थान बनाती हैं, तो भी आप विश्व में आने वाले हर क्षेत्रों में अपना नाम कायम रखती हैं। नारी, तुम शक्तिमान हो और निश्चित रूप से तुम्हें हमारा नमन है। ऐसे शब्दों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें नवाजा और हमारा सम्मान किया। मैं धन्यवाद के साथ बस इतना ही कहना चाहती हूं, क्योंकि आपके माध्यम से समय भी हमें बहुत कम है। नारी कभी प्रेम की सर्वोच्चता पर राधा कहलाती है, तो कभी मातृभूमि पर प्राणों को न्योछावर कर झांसी की रानी बन जाती है, कभी अंतरिक्ष में जाकर सुनीता विलियम और कल्पना चावला हो जाती है, तो कभी खेल के मैदान में सायना नेहवाल और सानिया मिर्जा बन जाती है, कभी त्याग की और आत्मबलिदान कर पन्ना धाय बनती है, तो कभी राजनीति में दुर्गा समझे जाने वाली इंदिरा और सुषमा कहलाती है, प्रबंधन और शीर्ष उद्यमों में सावित्री जिंदल बन जाती है, तो कहीं निर्जा बन मातृभूमि का सम्मान बचाती है। अध्यक्ष महोदय, इन बातों का कहने का आशय मेरा सिर्फ इतना कि यदि नारी को कमजोर आकलन किया जाए, कमजोर आका जाए, तो निश्चित रूप से यह देश कमजोर ही होगा। इस देश को मजबूत बनाने के लिए स्वाभाविक है कि आज हम सब उन बातों को लेकर चले। जे कोट किया कि आज मैं देख रही हूं कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए गणमान्य यदि नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से महिलाओं को, हम बहनों को देश सशक्तिकरण है तो आगे बढ़ना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी कोट करते हुए, आपकी बात को भी कोट करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी कि हमें डिमांड नहीं करना, हमें तो बस कमांड करना है। जय हिंद, जय भारत।